नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार, आपको स्वागत करता हूं इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट एमसीक्यू जरिए में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल वॉज बिल्ट इन व्हिच स्टेट? प्रभु जगन्नाथ का मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर ऑप्शन और बी, उड़ीसा में प्रभु जगन्नाथ का मंदिर है, उड़ीसा में पुरी जिला में और बंगोपसागर बंगाल का खड़ी के किनारे में अवस्थित है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। नेक्स्ट, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल वॉज बिल्ट इन व्हिच ईयर? प्रभु जगन्नाथ के मंदिर किस साल में निर्माण किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1112 ख्रीस्टाब्द से लेकर 1134 ख्रीस्टाब्द तक प्रभु जगन्नाथ का मंदिर निर्माण के लिए समय लगा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। नेक्स्ट, हु बिल्ट द जगन्नाथ टेम्पल? जगन्नाथ मंदिर को कौन सा राजा निर्माण किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चोड़गंग अनंग भीमदेव। ये उत्कल का तत्कालीन सम्राट था चोड़गंग अनंग भीमदेव, उनके द्वारा जगन्नाथ मंदिर निर्माण किया गया था। पुराण के बात अनुसार राजा इंद्रदम को स्वयं जगन्नाथ ने सपना देश किया था जगन्नाथ मंदिर निर्माण के लिए, इसलिए इंद्रदम के द्वारा प्रभु जगन्नाथ मंदिर के लिए शिलान्यास किया गया था। लेकिन इसके बाद चोड़गंगदेव अनंग भीमदेव के द्वारा जगन्नाथ मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल? प्रभु जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 66 मीटर। प्रभु जगन्नाथ की मंदिर की ऊंचाई 66 मीटर या लगभग 215 फुट ऊंचाई होती है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कितना ही बड़ा मंदिर है 215 फुट की ऊंचाई। नेक्स्ट, व्हिच लॉर्ड वर्शिप्ड इन जगन्नाथ टेम्पल? जगन्नाथ मंदिर में किस प्रभु पूजा किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द प्रभु जगन्नाथ मंदिर में लॉर्ड जगन्नाथ और लॉर्ड बलभद्र, जगन्नाथ के बड़े भ्राता है बलभद्र और उसकी बहनी गड्डे सुभद्रा, देवी सुभद्रा जी का पूजा किया गया है। पुराण के कथानुसार जगन्नाथ को प्रभु श्री कृष्ण का अवतार भी माना गया है। द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण था, त्रेतोया में श्री राम हुआ और कलयुग में लॉर्ड जगन्नाथ के अवतार रूपे में माना गया है हिंदू धर्म के अनुसार। नेक्स्ट, द अदर नेम ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल? जगन्नाथ मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोथ श्रीमंदिर एंड बड़देवड़ो। जगन्नाथ टेम्पल को श्रीमंदिर और बड़देवड़ो भी कहा जाता है। जो श्री जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ का धाम पुरी धाम भारत के 4 धाम में एक गना जाता है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा ऑल्सो नोन एज, जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को हम क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोथ कार फेस्टिवल या चैरियट फेस्टिवल। रथ यात्रा को हम कार फेस्टिवल या चैरियट फेस्टिवल के नाम में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट? लॉर्ड जगन्नाथ के चैरियट व रथ के बारे में सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द रेड एंड येलो कलर। प्रभु जगन्नाथ का जो रथ होता है इसका रेड और येलो कलर होता है, नेम नंदीघोष। प्रभु जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष कहते हैं और इसका ऊंचाई कितना है? 45 फुट है। प्रभु जगन्नाथ का रथ का ऊंचाई कितना है ना? 45 फुट है। जो प्रति हर साल अक्षय तृतीया में रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है वो लगभग 2 और 2.5 महीना लगता है निर्माण करने के लिए रथ को। नेक्स्ट, हाउ मेनी डे द चैरियट फेस्टिवल ऑब्जर्व? जो रथ यात्रा फेमस है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, वो कितने दिन तक मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 9 दिन तक। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 9 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बलभद्र चैरियट? प्रभु बलभद्र के रथ के बारे में सही उक्ति कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 बात सही हो, क्या ना? नोन एज तालध्वज। प्रभु जगन्नाथ के रथ को क्या नंदीघोष बोलते थे, इसी तरह बलभद्र के रथ को तालध्वज कहते हैं। और ये रेड और ब्लू कलर का है, ये भी हाइट कितना? 45 फुट है। इसमें 16 अक लगते हैं तालध्वज रथ में, लेकिन
लेकिन नंदीघोष रथ में कितना ना 18 अख लगते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गॉडेस सुभद्रा चैरियट, देवी सुभद्रा के बारे में सही उक्ति कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट, दर्प दलन, देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहते हैं और ये रेड और ब्लैक कलर का होती है। इसका हाइट 44 फुट 6 इंच होती है, देवी सुभद्रा के रथ के बारे में ये सही जानकारी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ फूड आर ऑफर्ड लॉर्ड जगन्नाथ इन महाप्रसाद, महाप्रसाद में जगन्नाथ को कितनी तरह खाद्य परोसा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 56। जो प्रभु जगन्नाथ के पास जो भोग लगता है महाप्रसाद, इस महाप्रसाद में 56 प्रकार व्यंजन का परोसा जाता है, 56 प्रकार का व्यंजन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर में कुछ अमेजिंग फैक्ट क्या है? फर्स्ट, फ्लैग फ्लोज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जगन्नाथ मंदिर की जो ध्वजा है ये पवन के विपरीत दिग में उड़ता है। इसको ये वैज्ञानिक भी उसका सही कारण नहीं पता लगा पाई है, क्योंकि एक पताका जो पवन के दिग में ही उड़ना चाहता है ये विपरीत दिग में क्यों उड़ते हैं? इस साउंड्स ऑफ सी नॉट हियर टेम्पल, जो समुद्र का गर्जन होते ना ये जगन्नाथ मंदिर के परिसर को कभी सुभाई नहीं देता है, एक बड़ी बात है। नेक्स्ट, बर्ड्स नॉट सी टॉप ऑफ टेम्पल, अभी तक कोई पक्षी जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर कभी नहीं बैठा है, ये भी सब आश्चर्यचकित करने का बात है। नो डार्कनेस द सनलाइट, जो दिन में जो सूर्य निकालते हैं ना, सूर्य की किरण से कभी मंदिर के छाई नहीं दिखाई जाता है, ये कि अनोखा बात है जो सब आश्चर्य होते हैं, क्योंकि जब सूर्य दिन में उठेगा तो इसका छाई परछाई क्यों नहीं दिखाई जाता है। नेक्स्ट, द जर्निंग ऑफ रथ जाता टू ही जी गुंडीचा टेम्पल इज नोन एज, रथ यात्रा के समय प्रभु जगन्नाथ जो रथ में अपने गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा जो प्रभु जगन्नाथ का मावसी माँ है उसके घर को घूमने के लिए 9 दिन जाता है, इसलिए जो पहला दिन है प्रभु गुंडीचा माँ के घर को जाने के समय क्या गुंडीचा यात्रा करते हैं, फिर 9 दिन के बाद प्रभु अपने स्वयं श्री मंदिरों को जब लौटे आएंगे इसको बाहुड़ा यात्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपुल एट महाप्रसाद इन ए सिंगल डे, प्रतिदिन कितने लोग महाप्रसाद खाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक, इन ए नॉर्मल डे 20,000 पीपुल एट महाप्रसाद एवरी डे, ये भी एक बड़ी बात है। इस धन्यवाद फ्रेंड्स, इसी तरह नई नई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर कीजिए। थैंक्स।